ये रियलमी C25 है, इसका हम फोल्डर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। खोलने का तरीका ये है, ये ठीक है। उसके बाद इसके स्क्रू खोलेंगे मशीन में। ये देखिए, ये स्क्रू देखिए, मशीन होने के कारण बहुत इजी काम हो जाता है। ये देखिए, बोलते तो जाओ कुछ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ऊपर वाला हटाएंगे, ये निकालेंगे, इसको निकालेंगे, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद बैटरी को निकालेंगे। बैटरी को निकालने के लिए हल्का सा इसमें ग्लू डाल देंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब ये ग्लू थोड़ा सा अंदर जाएगा, इसके ऊपर की जो पट्टी है इसको पकड़ेंगे और खींचेंगे। ठीक, फिर इसको बाहर करेंगे, ये जो पन्नी है जो इस पर चिपकी हुई है, ये देखिए, ये डिस्प्ले का पत्ता है। डिस्प्ले के पत्ते को अब क्योंकि ये ख़राब है इसलिए अपन को कोई जगह ऐसा नहीं है, कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं तो अगर ये सही होता तो यहाँ पर एक ओपनर डालते और उसके बाद ग्लू डालते फिर निकालते, लेकिन ये नॉर्मल है इसलिए ख़राब है इसलिए अपन इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये लिया, ये बाहर हो गया। ठीक, अब सबसे पहले इसके ये जो कचरा भरा हुआ इसको साफ करेंगे, साइड से लेके बराबर कर लें। ये ये देखिए, ये अभी भी पूरा कचरा उससे निकला नहीं है इसलिए अपन इससे निकालेंगे। कचरा यदि आपने सही से नहीं निकाला तो डिस्प्ले बाहर आने लगेगा, उचकने लगेगा या फिट नहीं होगा। ये वाला माइक्रोस्कोप बंद कर दो भैया, क्यों चल रहा है जबरदस्ती? ठीक है, इसके बाद इसको निकालेंगे इससे। ये इसको ऐसे चिपकाएंगे और इस पतली वाली पट्टी पे ऐसे डालते हुए अच्छे से चिपका देंगे, फिर ये पूरा बाहर कर देंगे। जितना बहुत भी कचरा होगा वो सब इसी के साथ वापस आ जाएगा।
ठीक है। सबसे ज्यादा कचरा इसके पास रहता है, इसको भी सही से साफ करेंगे ताकि सेंसर प्रॉपर वर्क करे। उसके बाद ये है स्पीकर की चाली, ये पूरी बजी हुई है, ये देखिए ठीक है। इसको सुई से साफ करेंगे, सुई ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा उसको सही से। ये अपन ने जब लिया है तो उसकी सही सर्विस करके एक बार दे देंगे ताकि सामने वाला दोबारा भी आए, ठीक है। ये देखिए कचरा देख रहे हैं आप, ब्रश ये देखिए इसमें कितना कचरा भरा हुआ, ठीक है। अब ये अच्छे से क्लीन हुआ, अब ये जो पत्ती है इसके अंदर भी कचरा भरा हुआ है। इसको साफ करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, इसका इंट्रोडक्शन देना। ये फाल्कन स्प्रे है जो कि री लाइफ वालों ने बनाया है। दूसरा ये कॉन्टेक्ट क्लीनर है और इससे सबसे बेहतरीन साफ होती है जाली। ये देखिए ये देखिए, अब इसके छेद खुल गए, देखिए खुल रहे हैं ये। अब इसको हम वापस अपनी जगह पे लगा देंगे और ये वापस लग चुकी है। हल्का सा ग्लू लेंगे ताकि लगाते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पर और इस कोने पर बस, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा देंगे, ये जाली वापस चिपक जाएगी अपनी जगह, ठीक है। अब जो डिस्प्ले हमको लगाना है, कुछ कर रहा है क्या? उस डिस्प्ले को चेक करेंगे क्या है, कितना टाइम लगेगा। ये डिस्प्ले है आपके, जो कस्टमर ने जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। कस्टमर ने लोकल बोला है तो लोकल लगाएंगे। डिस्प्ले को रख के चेक करेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर है कि नहीं है। अगर डिस्प्ले की फिटिंग सही नहीं है तो डिस्प्ले नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपका नाम तो बदनाम हो गई होगा, कस्टमर भी चार गाली देगा और दोबारा वो आएगा नहीं और चार लोगों से भी बताएगा नहीं। पर फिलहाल ये डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपर है, एक्यूरेट लग रहा है, ये नहीं कहीं किसी भी जगह से उठा हुआ नहीं है, फिटिंग प्रॉपर है, ठीक है। डिस्प्ले की फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर डिस्प्ले की फिटिंग प्रॉपर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हम डिस्प्ले को लगाएंगे, वहाँ कहाँ जा रहा कैमरा, ठीक है। डिस्प्ले में ग्लू लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ग्लू ले गया क्या सूटा, ले गया वापस, भूरी वाली मैट देना, ये देखो लाइव वीडियो चल रहा है, ये तुम भी फोल्डर लगा रहे हो। यहाँ से ये ग्लू जो है बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे होना चाहिए, ग्लू टूटना नहीं चाहिए, ग्लू टूटना नहीं चाहिए और ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो उसके केमिकल के अंदर चला जाएगा, डिस्प्ले केमिकल के अंदर चला जाएगा। बुरा वाला बोला था यार, और यदि कम होगा तो वो पकड़ नहीं बनाएगा, इसलिए परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं दबाना है, नॉर्मल दबाना है। नॉर्मल दबाते हुए इसको धीरे धीरे लेयर को आगे लेते जाना है, ये अपने आप आता जाएगा,
इसकी लेयर टूटनी नहीं चाहिए। यदि कहीं टूटती है तो दोबारा री कनेक्ट करो उसको। ये देखिए, ठीक है, दो जगह ग्लू अच्छे से लगना चाहिए, एक तो पीछे और दूसरा फ्रंट में। कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी ध्यान रखिए ग्लू नीचे साइड नहीं होना चाहिए। अगर नीचे साइड होगा तो नीचे साइड ज्यादा होगा तो डिस्प्ले चिपक जाएगा, दूसरी बार कस्टमर का डिस्प्ले खराब हो जाएगा। ठीक है, एक साल का भी हो तो उससे अपना काम खुद करो। ये पन्नी जो है इसको निकाल देंगे और इसको, इसमें सेंसर नहीं है पत्ते में, इसलिए दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल ले लेगा। अब यहाँ से सबसे पहले फ्रंट पोर्शन पे चेक करेंगे, क्योंकि फ्रंट पोर्शन पे सेंसर होता है और सेंसर वर्क करना चाहिए, इसलिए फ्रंट पोर्शन पे लगना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फ्रंट पोर्शन पे अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा तो सेंसर वर्क नहीं करेगा, इसलिए फ्रंट पोर्शन पे ही ज्यादा जरूरी है सही से लगना। ठीक है, अब उसको हम वापस लगा देंगे। ये काम होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा जल्दी काम करिए। ठीक है, ये पन्नी को वापस लेंगे, बैटरी को वापस लगाएंगे। ये देखिए, ये वापस लियो और ये हो गया। ठीक है, अब हम इसका ये लगाएंगे बैक, लेकिन उससे पहले फिंगरप्रिंट का पत्ता लगाएंगे। ये है बैक पैनल, से पहले बैक सीट कवर जो होती है वो लगाएंगे और इसको सपाटे से कस देंगे। स्क्रू पूरे नहीं कसने हैं एक साथ, अभी सिर्फ लगा दीजिए, बाकी टाइट बाद में करिए। ठीक है, मशीन हमेशा रखिए ताकि मशीन से फास्ट काम हो जाए, नहीं तो स्क्रू कसने में बहुत टाइम लग जाता, आधे तो स्क्रू के मत्थे खराब हो जाते हैं, इतनी देर में ग्लू सूख जाएगा। और गलत स्क्रू चलाने से स्क्रू का हेड भी खराब हो जाता है। ठीक है, स्क्रू कंप्लीट है, यहाँ पर पीछे के दो स्क्रू लग, तीन स्क्रू बचे हुए थे, इनको भी लगा देते हैं। विनोद हो गया, अब जो स्क्रू सही फिट नहीं थे उनको एक बार और टाइट कर देंगे। जैसे स्क्रू टाइट होगा मशीन घूमने लगेगी। ये देखिए, इससे ज्यादा नहीं कसना है, अगर आपने ज्यादा कस दिया तो स्क्रू फाड़ के बाहर पीछे आ जाएगा डिस्प्ले पे, इसलिए बस इतना ही कसना है जितना ही जरूरत है। जब वो पूरा हो जाए तो वो अपने आप मशीन उसको छोड़ देगी। हमेशा इसको बैक पैनल को इस साइड से लगाया जाता है जिस साइड से स्विचेस होते हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा दबाव नहीं देना है, अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको रोक देंगे पर दबाव नहीं देंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये नॉर्मल लेवल पे आता है तो ठीक है, नहीं तो वो फूट जाएगा। उसके बाद ये स्क्रू है, ये रबर बैंड है, रबर बैंड को इसको तीन पोर्शन पे लेंगे, ये और ये। ठीक है, आप
ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल को चालू कर देंगे, जब तक मोबाइल चालू हो रहा है तब तक हम इसकी बैंड, रबर बैंड लगा लेंगे। रबर बैंड को थोड़ा सा खींच लीजिए, अगर ज़्यादा टाइट नहीं होगी तो सही से सेट नहीं होगा, ठीक है। तीन रबर बैंड बीच में स्विचेस से बचाना है रबर बैंड को, यही बता देंगे। तीन रबर बैंड स्विच से बचाते हुए ऊपर की ओर नीचे की ओर लगाएंगे, इस तरह से लगाना, ठीक है। ये ठीक है। अब बाकी दो रबर फ्रंट की ओर लगाएंगे, ये ठीक है। अभी एक और बची है, रबर बैंड बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, पतपड़ा लगाते समय ग्लास टूट गया ऊपर का, ये हो गया, ठीक है। अब ये चालू हो गया। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड इसका पासवर्ड नहीं, पासवर्ड छोड़िए, अपन ऐसे चेक कर लेते हैं इमरजेंसी मोड पे, ये आ रहा है, ठीक है। वैसे तो इमरजेंसी मोड पे भी चेक किया हुआ 70-60% ओके होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो कस्टमर से पासवर्ड हमेशा पूछ के रखिए, ठीक है। पासवर्ड नहीं मालूम, ये देखिए, ये सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेंसर की होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लू डाल देते हैं और ग्लू की वजह से सेंसर वर्क काम करना बंद कर देता है, ठीक है। ये देखिए, एक बार और चेक करा देता हूँ, ये ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, कहीं से कुछ भी नहीं निकला है, कोई वो बाहर नहीं है, कोई लाइट बाहर कुछ नहीं भी नहीं है, कहीं से लाइट बाहर नहीं है। ये और ये फिक्स भी सही है, 2-3 घंटे के बाद यदि आप रबर निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई लगाते समय ग्लू थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हुआ है तो थोड़ा सा इसको ये लीजिए और इससे यहाँ पर पोंछ दीजिए, ये वो स्प्रे, ठीक है। कॉन्टैक्ट क्लीनर नाम है इसका, ये इवोपरेट्स क्विकली इफेक्टिवली, रिमूव्स स्टेन्स, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटली सेफ। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, ये जो कॉम्बो फोल्डर है, ये ओजी, ये जो ग्लास का ये जो पन्नी है, ये पन्नी आप निकाल के और फिर कस्टमर को दीजिएगा, क्योंकि कस्टमर क्या होते हैं, पन्नी ले जाते हैं होलसेल और इधर उधर जाके पूछते हैं कि ये वाला फोल्डर कितने का आता है, फिर उसके बाद पता करके बताते हैं, पता पड़ा आपने 400-500 हजार रुपए ज्यादा ले लिए तो वो जाके बताते हैं कि आपने इतना ज्यादा पैसा क्यों लिया। इसलिए पूरा ये सब निकाल के पूरी क्लीन करके कस्टमर को दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऐसे वीडियोज हैं हमारे और ऐसा काम है हमारा, और ज्वाइन करने के लिए आप मुझे रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासेस के लिए आप हमें कॉल करें और हमें ज्वाइन करें। एक्सपर्ट ट्रेनर, एक्सपर्ट टीचर, एक्सपीरियंस टीचरों से आप काम करें, जो एजुकेशन लेवल पे भी बढ़िया स्टैंडर्ड हो, बात करने का तरीका आता हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।